मलाइका और अर्जुन का रिश्ता इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है। दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड ग्लैमरस तस्वीरों के साथ साथ अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के साथ साथ अपने वेकेशंस की तस्वीरें तो कभी किसी इवेंट और अवार्ड फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं तो कभी पेपराजी ही इन्हें स्पॉट कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के रिश्ते के बीच कई बार दरार आ चुकी है। ये दरार इन दोनों की आपसी दरार तो रही ही, इसी के साथ रही परिवारों के साथ भी। जी हाँ, आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा एक तो उम्र में अर्जुन कपूर से बड़ी है, दूसरा अर्जुन कपूर का परिवार मलाइका को थोड़ा कम पसंद करता है। नापसंद करने की कई वजह हैं। पहला ये कि मलाइका अरोड़ा ने खान परिवार की बहू होने के बाद अर्जुन कपूर को चुना है, एक ऐसा परिवार जो इंडस्ट्री में खूब पॉपुलर था। लेकिन मलाइका अरोड़ा उस परिवार से अपना रिश्ता हमेशा के लिए बनाए नहीं रख पाए। ये वजह कपूर खानदान को खूब खटकती है। बोनी कपूर और अनिल कपूर इस रिश्ते के खिलाफ है। वह आपको बता दें कि जहां एक तरफ जाह्नवी और खुशी मलाइका को एक्सेप्ट कर रही है तो वहीं अंशुला मलाइका को थोड़ा सा नापसंद भी करती है। इतना ही नहीं, मलाइका की तरफ से उनका बेटा भी अर्जुन कपूर को थोड़ा नापसंद करता है, लेकिन अक्सर वो अर्जुन कपूर के साथ चिल आउट मोड में नजर आ जाते हैं। वेल, आपको बता दें कि बोनी कपूर और अर्जुन कपूर का रिश्ता पहले ही काफी ज्यादा डिजास्टर था, लेकिन मलाइका के आने के बाद एक बार फिर से रिश्ता टूटता नजर आ रहा है। एक वक्त आया था जहां श्रीदेवी की मौत के बाद मलाइका और अर्जुन रिलेशनशिप में थे, लेकिन तब भी बोनी कपूर और अर्जुन कपूर का रिश्ता काफी अच्छा हो रहा था और सुधर रहा था। लेकिन जब अर्जुन कपूर ने अपने परिवार में मलाइका से शादी करने की बात रखी तब परिवार एक बार फिर से टूटने लगा। बोनी कपूर परेशान हो गए कि जो लेडी यानी कि मलाइका अरोड़ा जो कपूर खानदान की बहू बनने के अभी सपने देख रही है, वो बहुत बड़े इंडस्ट्री के परिवार खान खानदान की बहू बनने के बाद उसे छोड़कर आ सकती है तो वो उनके बेटे का साथ कैसे निभाएगी। मलाइका अरोड़ा एक तो उस वक्त पहले ही इतना सुर्खियों में थी और उसके बाद मलाइका अरोड़ा की लाइम लाइट कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, उनमें बोनी कपूर भी एक थे। बोनी कपूर का मानना था कि मलाइका अरोड़ा एक तो उम्र में अर्जुन कपूर से लगभग 13 साल बड़ी है और दूसरा मलाइका अरोड़ा काफी बोल्ड है, शायद वो उनके परिवार में अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाएगी। यही कारण रहा कि बोनी कपूर हर बार अर्जुन कपूर और मलाइका के रिश्ते के खिलाफ रही हैं। वेल, आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा यूं तो सभी से रिश्ता काफी अच्छा बनाए रखना चाहती है। अर्जुन कपूर की माँ के साथ मलाइका का रिश्ता काफी अच्छा है। अर्जुन और मलाइका इस वक्त लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के परिवार वालों में कई सारी दूरियां आ गई। अर्जुन कपूर अपने परिवार से अलग मलाइका के साथ रहते हैं। अर्जुन कपूर जो अपनी बहन अंशुला कपूर को बिल्कुल माँ की तरह मानते हैं, अब वो उनसे भी दूर जाते जा रहे हैं। ये बात अंशुला को भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो मलाइका अरोड़ा को थोड़ा सा नापसंद करने लगी हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन कपूर हमेशा ही अपनी लेडी लव को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ जाते हैं, उनके लिए काफी पजेसिव रहते हैं और हर जगह उनका सपोर्ट करते नजर आते हैं, चाहे मलाइका को कोई ट्रोल करे या फिर मलाइका को पब्लिकली उस मोमेंट का शिकार होने से बचाना हो, अर्जुन कपूर हमेशा उस जगह पर खड़े रहते हैं। वेल, मलाइका कई बार अपने और अर्जुन के रिश्ते पर बात कर चुकी है। दोनों ने अपना रिश्ता काफी वक्त पहले ही ऑफिशियल कर दिया था, तो वहीं जब भी शादी की खबरों पर बात आती है तो मलाइका शादी पर काफी कुछ कहती हैं कि उन्हें व्हाइट थीम वाली शादी चाहिए, बीच वेडिंग चाहिए और वो सभी के साथ अपनी इस वेडिंग को खूब इंजॉय करना चाहती है। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर दोनों शादी कब करेंगे और अब ये बात सामने आ गई है कि कपूर खानदान इस शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है, इसलिए अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा सिर्फ और सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में ही रह सकते हैं। दोनों अभी भी अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मलाइका जहां अपने परिवार को मना चुकी है दूसरी शादी के लिए, तो वहीं अर्जुन कपूर अभी तक बोनी कपूर की हां का इंतजार कर रहे हैं। वेल दोस्तों, मलाइका और अर्जुन कपूर की शादी पर आपका क्या कहना है और आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।